हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर, और आज की ये क्लास है BSc थर्ड ईयर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 34 है। इससे पहले के आपके जितने भी लेक्चर्स हैं, चैप्टर 5 हम उनमें कंप्लीट कर चुके हैं, 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें जो आपके प्लेलिस्ट में एडेड है आप उनमें देख सकते हैं। तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 के बारे में। ये आपका चैप्टर 6 का नेम है ऑयल्स, फैट्स एंड डिटर्जेंट्स। तो इस चैप्टर में हम मेनली 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है आपका ऑयल, दूसरा है आपका फैट, और तीसरा है आपका डिटर्जेंट। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बिल्कुल बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप ये मान सकते हैं इनमें। तो आज हम इसमें बात करेंगे ऑयल और फैट दोनों के बारे में। किसके बारे में? ऑयल एंड फैट। अब देखो, ये दोनों टॉपिक्स के बारे में हम क्यों पढ़ने वाले हैं, एक साथ क्यों पढ़ने वाले हैं? तो ऑयल और फैट जो है, इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, लगभग समान ही प्रॉपर्टी ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वजह से ऑयल और फैट जो है, इन्हें हम एक साथ कंबाइन करके पढ़ते हैं। तो आज हम इसमें बात करेंगे ऑयल और फैट। ये हो गया आपका चैप्टर का नेम, और ये हो गया इसका पहला टॉपिक, ऑयल एंड फैट। तो चलिए ऑयल और फैट के बारे में बात करते हैं। ऑयल और फैट सबसे पहले होता क्या है, ये बात करेंगे। ऑयल और फैट जो होते हैं, ये आपके ट्राई एस्टर होते हैं ग्लिसरॉल के। किसके? ट्राई एस्टर होते हैं ग्लिसरॉल के, विद हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड जैसे आपका पाल्मिटिको एसिड होता है, स्टियरिक एसिड होता है, ओलाइक एसिड होता है, ये इनके हायर फैटी एसिड से कंबाइन होते हैं। किस तरह से कंबाइन होते हैं अभी बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ऑयल एंड फैट, ऑयल एंड फैट, या फैट एंड ऑयल। ऑयल एंड फैट आर ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल विद हायर फैटी एसिड, विद हायर फैटी एसिड, विद हायर फैटी एसिड्स, हायर फैटी एसिड्स जो आपके होते हैं पाल्मिटिक एसिड, मेन एसिड्स के बाद लिखिए मेनली पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड क्या होता है? पाल्मिटिक एसिड ये होता है आपका C15H31COH, ये होता है आपका पाल्मिटिक एसिड। दूसरा होएगा स्टियरिक एसिड, दूसरा क्या आएगा? स्टियरिक एसिड, स्टियरिक एसिड, स्टियरिक एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका केमिकल फॉर्मूला बनेगा C17H35 और COOH, और तीसरा है आपका ओलाइक एसिड, ओलाइक एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला C17H33COOH, ये होता है आपका ओलाइक एसिड। तो ये जो आपका ऑयल और फैट होते हैं, ये ट्राई एस्टर कहे जाएंगे ग्लिसरॉल के, जिनमें आपके हायर फैटी एसिड्स जुड़े होंगे। अब इनमें से हायर फैटी एसिड में कोई सा भी जुड़ सकता है, पैल्मिटिक एसिड जुड़ सकता है, स्टियरिक एसिड जुड़ सकता है, या फिर ओलाइक एसिड भी जुड़ सकता है। और ये किस तरह से ट्राई एस्टर कहे जाते हैं ग्लिसरॉल के, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, यहां से ये होता है आपका ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, CH2, और इनसे क्या जुड़े होते हैं? OH जुड़े होते हैं, कुछ इस तरह से, इस तरह से आपके OH जुड़े होते हैं। अब हमें क्या बताना है, ये होता है ट्राई एस्टर। क्या होते हैं? ट्राई एस्टर। तो ट्राई एस्टर में हम क्या जानते हैं, ट्राई एस्टर में क्या आता है बीच में ग्रुप? COR, इस तरह से आता है ना। तो ये जो आपके H है ना, ये H ये वाला ग्रुप रिप्लेस कर देगा, और कितने ग्रुप आएंगे यहाँ पर? 3 ग्रुप आएंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट COOR, ये लिख सकते हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका यहां से ऑयल और फैट का केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑयल एंड फैट, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए पहले से।
आई होप आपने नोट किया होगा। अब देखो मैं इसमें आपको एक चीज बताने वाली हूँ, वो चीज क्या है, इसको हम केमिकली बना भी सकते हैं, जो आपका ऑयल और फैट होता है इसको हम केमिकली फॉर्म भी कर सकते हैं। कैसे फॉर्म करेंगे हम इसको केमिकली, ये होता है एस्टरीफिकेशन से। एस्टरीफिकेशन किसका करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत सारे कार्बन जिसमें हो, यानी कि बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड जो लेने हैं हमें, और उसका एस्टरीफिकेशन करेंगे हम ग्लिसरीन के साथ, तब जाकर आपका क्या बनता है, ऑयल और फैट बनता है। तो ये चीज भी आप इसमें लिख सकते हैं, चाहो तो यहीं पे लिख लो कि ऑयल एंड फैट्स आर फॉर्म्ड। थोड़ा सा सेपरेशन करेंगे यहां से, तो यहां से क्या आएगा, ऑयल एंड फैट्स आर formed by the esterification of glycerine with carboxylic acid having 12-20 कार्बन एटम। केमिकल रिएक्शन इसमें इतनी खास नहीं है, बस यही लिख लीजिए, यही इनफ होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ से इसका एक मेथड भी हो गया। वैसे तो हम इसमें एक प्रॉपर्टी कराएंगे आपको, केमिकल प्रॉपर्टी भी है इसकी, तो केमिकल प्रॉपर्टी जब कराएंगे ना उसको बिल्कुल रिवर्स कर देना, आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इसका। ठीक है, तो ये हो गया, ऑयल एंड फैट आर फॉर्म्ड बाय द एस्टरीफिकेशन ऑफ ग्लिसरीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वो जिसमें 12 से 20 कार्बन एटम जुड़े हो। ठीक है, तो ये होगी इतनी चीज। अभी फिलहाल क्या कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाली हूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसमें आगे मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखाने वाली हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ, केमिकली जो होते हैं ये आपके ऑयल और फैट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। जैसे आपका अभी ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अरेंज किया ना, इसी तरह से ग्रुप ऑयल में जुड़े होते हैं और इसी तरह से ग्रुप फैट में जुड़े होते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें मैं आपको कुछ और चीजें भी बताऊंगी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी से अलग। ठीक है, तो ये आ गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम इसमें, या फिर आप इसे डिफरेंस के तौर पर भी लिख सकते हो, इसको आप डिफरेंस के तौर पर भी लिख सकते हो, हम जानते हैं जो आपका ऑयल होता है ये प्लांट ओरिजिन का होता है। क्या होता है? प्लांट ओरिजिन का होता है। वही आपका फैट एनिमल ओरिजिन का होता है। फैट एनिमल ओरिजिन का होता है। जैसे मैं कहूं कि सरसों का तेल आप सभी ने घर में इस्तेमाल करते भी होंगे। सरसों का तेल किससे निकलता है? सरसों के बीज से निकलता है। सरसों के बीज कहाँ से आते हैं? खेतों में से आते हैं। खेतों में क्या होती है? फसल होती है। फसल किस में आते हैं? प्लांट में आते हैं, पेड़ पौधे हरियाली में आते हैं। तो ये जो ऑयल होगा वो किससे आता है? प्लांट ओरिजिन से। वही फैट, ऐसा कभी सुना है कि कोई इंसान अगर मोटा है तो उसको बोलते हैं कितना फैटी है, तो ये क्या है? फैट जो हमारे अंदर एक्सेस क्वांटिटी में होता है ये फैट होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, किस ओरिजिन का है? एनिमल ओरिजिन का है। समझ में आ गई? तो यहां से हम कह सकते हैं कि ऑयल जो है प्लांट ओरिजिन के हैं। ऑयल्स आर यूजुअली ऑफ प्लांट ओरिजिन। और ये जो आपके ऑयल्स होते हैं ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। एंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड लिक्विड
एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना? जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर होता है जैसे 20 से 30 के बीच में जितना टेम्परेचर होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। और वहीं अगर बात करें फैट के बारे में, फैट फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा, फैट्स आर यूजुअली ऑफ, फैट्स आर यूजुअली ऑफ एनिमल ऑरिजन एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। यहां से दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए इसमें, इन ऑयल्स में आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, मैंने अभी यहां पर आपको फॉर्मेशन बताया था ना इसका, एस्टरीफिकेशन करते हैं ग्लिसरीन का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अब ऑयल में जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो होता है अनसैचुरेटेड, क्या होता है? अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसमें, और वहीं फैट में आपका सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो लिखिए इसमें, इन ऑयल कॉमा लगा के अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट, जबकि आपका जो फैट होते हैं उनमें सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आपके सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं ऑयल में, ये अधिक मात्रा में, किस मात्रा में प्रेजेंट होते हैं? इन ऑयल अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी या मेजर क्वांटिटी, वेयर एज क्वांटिटी लिखा हुआ है, ये अगर विजिबल ना हो तो देख लेना, इधर लिख रही हूं, लार्ज क्वांटिटी वेयर एज इन फैट्स सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट इन मेजर या फिर लार्ज क्वांटिटी। ठीक, ये हो गया आपका एक पॉइंट यहां से। अब देखो, जब इनमें ऑयल में सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, फैट में अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी वजह से जो ऑयल है अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड लार्ज क्वांटिटी में होने की वजह से ऑयल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपेयर टू फैट। पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा इसमें, ऑयल्स आर मोर रिएक्टिव, ऐसे लिखिए, ड्यू टू इट, इसी में चाहो ऐड करके लिख लो, ड्यू टू इट ऑयल्स आर मोर रिएक्टिव देन फैट। ठीक है, एक हो गया आपका ये पॉइंट हो गया। अब देखो, ऑयल और फैट एक सिमिलैरिटी भी लिखा रही हूं इसमें, क्या है इसमें सिमिलैरिटी, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू। ऑयल और फैट जो होते हैं मेन सोर्स होते हैं एनर्जी के, क्या होते हैं? मेन सोर्स होते हैं एनर्जी के, और एनर्जी के मेन सोर्स होने की वजह से इनकी कैलोरिक वैल्यू क्या होगी, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 9.2 किलो कैलोरी पर मोल। क्या होती है? 9.2 किलो कैलोरी पर मोल इनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 लिखिए इसमें। पॉइंट नंबर 4 क्या आ जाएगा इसमें, अभी अभी बताया कि जो होते हैं ऑयल और फैट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑयल्स
ऑयल्स एंड फैट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आगे लिखिए इसमें द कैलोरिफिक वैल्यू, मैं ऊपर से रेस कर रही हूं इसको, द कैलोरिफिक वैल्यू आगे लिखिए इसमें पॉइंट नंबर फाइव द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स आर कितनी होती है, कैलोरिफिक वैल्यू कितनी होती है, आर ने इज 9.2 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये हो गए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपको कुछ 2 से 3 प्रॉपर्टीज कराने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी करेंगे हम इसका हाइड्रोलाइसिस। पहले से फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम करेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस में आप सभी जानते हैं कि क्या ऐड करते हैं हम इसमें, वाटर ऐड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका केमिकल फॉर्मूला, जो होता है आपका CH2COR, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अब देखो जितने आपके एल्काइल ग्रुप होंगे इतने ही हमें नंबर लेने होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से हम लेंगे 3H2O लेंगे, कितने लेंगे 3H2O लेंगे, और ये जो केमिकल रिएक्शन होती है ये डाइल्यूटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब देखिए इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में ये जो आपके R हैं, इन R की जगह पर कोई भी ग्रुप आ सकता है। ग्रुप कौन सा लेंगे, इस बार CH3C2H5 नहीं लिया जाएगा, इन R की जगह कौन से ग्रुप लेंगे, जो हायर फैटी एसिड मैंने आपको 3 लिखाए थे, कौन सा, एक पैल्मिटिक एसिड, स्टियरिक एसिड और ओलाइक एसिड, R की जगह पर वो ग्रुप रखने हैं आपको। अब मर्जी है आपकी, आप सिमिलर ग्रुप रखना चाहें सिमिलर रख सकते हैं, मिक्स रखना चाहें मिक्स रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका क्या बनेगा, ये है आपका यहां से ऑयल और फैट, ये है वाटर, ये है डाइल्यूटेड H2SO4। तो यहां से जो चीज बनती है वो बनती है आपकी ग्लिसरीन और कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनती है, ग्लिसरीन और कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनती है, देखो ये ग्रुप रिमूव होगा, सबसे पहले H2O ब्रेक करो, HOH में HOH, सब जानते हैं ये प्लस में ब्रेक होगा, एच और OH पर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जबकि हमारा यहां से क्या रिमूव होगा, बताओ यहां से क्या रिमूव हो सकता है हमारा ग्रुप, देखो ये इस तरह से रिमूव नहीं होगा, मतलब जैसे हमने COOR लिखा है इस तरह से रिमूव करने में आपको दिक्कत आएगी। तो यहां से हम आते हैं उस पहले वाले मेथड की तरफ जहां हमने ये बनाया था। तो आप क्या करें, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और वहां से देखें कि हमने क्या पढ़ाया था जब हम इसका केमिकल कंपोजिशन लिख रहे थे। तो यहाँ पे क्या था, हमने ऑक्सीजन लिखा था और ये COR था। अब आपको ये ब्रेक करना बहुत आसान होने वाला है, ये है OCOR, इसी तरह से ये आ जाएगा OCOR। अब ब्रेक करना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका, यहां से ये किसमें ब्रेक होगा, यहां पर ये जो आपका बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो आपका ये बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपका जो ये वाला ग्रुप है ये कैसा चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन पर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां से क्या होगा, H ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा और ये COR ग्रुप OH के साथ रिमूव हो जाएगा। तो यहां से ये पहले ग्रुप रिमूव कर देते हैं, क्या रिमूव होगा, COR, RCO लिख सकती हूँ, किसके साथ जुड़ेगा, OH के साथ जुड़ेगा, किसके साथ, OH के साथ जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव हो गया। अब बचा क्या, यहां से ये 3 OH इन COR को रिप्लेस कर देंगे, तो यहां से क्या बनेगा, CH2OH CH OH CH2OH, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल,
ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और R की जगह पर पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड और ऑलाइक एसिड रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए इसे। अब इसके बाद हम करते हैं स्वोपनिफिकेशन रिएक्शन। क्या करेंगे? स्वोपनिफिकेशन रिएक्शन। स्वोपनिफिकेशन रिएक्शन जो होती है, इसमें ऑयल और फैट की रिएक्शन कराई जाती है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? जैसे आपका NaOH या KOH होते हैं, ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेस। और इनमें क्या बनता है? इनमें आपके बनती है, एक तो यही बनेगा ग्लिसरीन, और दूसरा कंपाउंड बनता है आपका सोप। क्या बनता है? सोप, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई रिएक्शन नंबर टू, स्वोपनिफिकेशन। सोपनीफिकेशन, साबुनीकरण जिसे कहते हैं, सोपनीफिकेशन रिएक्शन, या फिर हम बोलते हैं इसको रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, और कैसा बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे आपका NaOH और KOH होता है, ठीक है। तो यहां से आ गया आपका COOR, और यहां पर भी आपका यही ग्रुप, और इधर भी आपका यही ग्रुप। रिएक्शन किसके साथ करोगे? NaOH ले ले यहां से, NaOH तीन अल्काइल ग्रुप है तो तीन NaOH आ जाएंगे। तो रिएक्शन कैसी होगी? बिल्कुल जैसे हमने पिछले स्टेप में रिएक्शन की थी, बिल्कुल ऐसी होगी। COR को रिप्लेस कौन कर देगा यहां से? बताओ कौन कर देगा COR को रिप्लेस? इस बार H रिप्लेस करेगा, और ये NaOH किसके साथ चला जाएगा? दूसरे ग्रुप के साथ। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा CH2OH, यहां से CHOH, CH2OH, ये तो बन गया आपका ग्लिसरीन। और दूसरा क्या बना यहां से? यहां से बनेगा COR COONA। क्या बनेगा? RCOONA। ये जो आपका कंपाउंड होता है, कितने बनेंगे? थ्री नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। पहले भी बैलेंस कर लेना, अगर आपने थ्री नहीं लिखा तो थ्री लिख लेना। ये जो होता है, ये आपका कहा जाता है सोप। क्या कहा जाता है? ये होता है सोप, और ये होता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, ठीक है। ये बन गया आपका यहां से, दूसरी रिएक्शन भी हो गई है कंप्लीट, ठीक है। नोट करिए इसे। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या कर सकते हैं? इसमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देख सकते हैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है? किसी के पास कोई आइडिया हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है? निकल की प्रेजेंस में जो आपका क्या होता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में H के साथ रिएक्शन कराते हैं। H में भी H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से रिएक्शन नंबर थ्री होगी हाइड्रोजनेशन। या फिर एक चीज और बोली जाती है, ये जो कॉमनली रिएक्शन होती है, ये ऑयल्स के लिए की जाती है। किसके लिए? ऑयल्स के लिए की जाती है। वो ऑयल जो आपका वेजिटेबल में यूज किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल कहा जाता है जिसको, ठीक है। तो यहां से आएगा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन या फिर हार्डनिंग ऑफ ऑयल। मतलब क्या है इसका बताती हूं अभी। हार्डनिंग ऑफ ऑयल, देखो सबसे पहले हम लेते हैं यहां से आपका वेजिटेबल ऑयल। क्या लेते हैं? वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? जैसे हमें अभी केमिकल फॉर्मूला पढ़कर आए ऑयल और फैट का, वो क्या होता है? OCOOR, ये होता है। अब इस R की जगह पर हमें क्या रखना है? कोई भी ग्रुप रखना है। कौन सा ग्रुप रखेंगे? या तो आपका होना चाहिए पैल्मेटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड या ऑलाइक एसिड। कोई सा भी ग्रुप आप यहां पर रख सकते हैं। जैसे मैं यहां पर ग्रुप रखूं, ये है आपका C17 और H33 ग्रुप रख लें यहां से हम। तो ये ग्रुप कौन सा है? स्टीयरिक एसिड है, पैल्मेटिक एसिड है, ऑलाइक एसिड है। बताइए इसका नाम, बताइए जो ग्रुप होता है, नाम बताएंगे आप? क्योंकि मैंने लिखाया था इसमें आपको, ये आएगा यहां से COOC17H33, ये आएगा CH2COOC17H33। तो ये हो गया आपका यहां से वेजिटेबल ऑयल, जिसको कहा जाता है वेजिटेबल ऑयल।
देखिए अब यहाँ से वेजिटेबल ऑयल से हम बनाएंगे वेजिटेबल घी। इस रिएक्शन में बनता है आपका वेजिटेबल घी। अब वेजिटेबल घी क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा डालडा, जो डालडा होता है वो वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल की जब रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन के साथ निकिल की प्रेजेंस में, और बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं, कितनी पर, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर हम इनकी रिएक्शन कराते हैं, तब यहाँ से आपका वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर तीन ग्रुप है, तो थ्री एच टू आपको यहाँ से रखने हैं, तो यहाँ से प्रेजेंस किसकी लेंगे, निकिल की, और टेम्परेचर 300। इससे आपका क्या होता है, जब हम यहाँ से इतने ज्यादा टेम्परेचर पर और इन कैटलिस्ट के साथ इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये आपका सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हार्डनिंग ऑफ ऑयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डनिंग ऑफ ऑयल भी कहते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। फिर से बता रही हूँ, वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन अगर हम H2 यानी कि हाइड्रोजन के साथ निकिल की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर करा दें, तो ये वेजिटेबल ऑयल जो होता है हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, और हार्ड होने के बाद वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर कह सकते हैं वेजिटेबल ऑयल फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो बनेगा, यहां से आपके CH2 COO, केमिकल कंपोजिशन आपका चेंज नहीं होगा, केमिकल कंपोजिशन वही रहेगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, CH2 यहां पर आपका COO ग्रुप ऐसे कैसे रहेंगे, COO, ये भी COO, ये भी COO, और यहां पर भी आपका क्या जुड़ेगा, C17H कितना आ जाएगा, यहां से H आएगा, यहां से 33 की जगह हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अगर यहाँ पे 31 रखोगे तो चेंज हो जाएगा। वैसे वेजिटेबल ऑयल में जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी होती है वो इतनी ही रखी जाती है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, 17 और 35, ये कार्बन 17 और एच 35, ये वेजिटेबल ऑयल से क्या बन गया, वेजिटेबल घी बन गया, जिसको हम नॉर्मली फैट भी बोलते हैं। ठीक है, चलो ये हो गई यहाँ से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी कंप्लीट। अब इसके बाद इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है, ऑयल और फैट के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ काफी सारे पॉइंट्स हैं इसमें, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, वो अलग है डेफिनेशंस, तो ऑयल और फैट होता है इतना ही। अब इसके बाद जैसे आपका एसिड वैल्यू है, रेशियल मिक्सर वैल्यू है, और आपका रेंसिडिफिकेशन है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो फैट और ऑयल से ही रिलेटेड है, लेकिन वो करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर, या ये कह सकते हैं ऑयल और फैट का बचा हुआ पार्ट टू करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। तो आज करेंगे इसमें इतना ही। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india, ये इंस्टाग्राम पेज है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उसमें अपनी आईडी बनाइएगा और सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।